वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के आरओ पेड बैच में मॉड्यूल वाइज कोर्स करवाया जा रहा है और मॉड्यूल वाइज क्विज भी हम लोग करवाते हैं अपने क्विज वाले ग्रुप में। तो पेड क्विज का ये वीडियो हम यहाँ पे दे रहे हैं, जो पेड क्विज दी जाती है पेड ग्रुप मेंबर को, उसका वीडियो नंबर 1 है ये। तो अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ते हैं तो आप इस तरीके से क्विज दे सकते हैं हमारे साथ ग्रुप में जुड़ करके, अदरवाइज ये वीडियो से आप क्विज कम्प्लीट कर सकते हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे मॉड्यूल वाइज पेड क्विज में सब्जेक्ट मिक्स करके क्वेश्चंस होते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का अन्य नाम है, इतिहास से एसोसिएटेड क्वेश्चन। इसमें भारत का अन्य नाम पूछा है तो आर्यव्रत भारत का एक अन्य नाम है, जम्बूद्वीप भी है, हिंदुस्तान तो है ही। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सत्यमेव जयते। ठीक है, इस तरीके से हमारे ग्रुप में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपका ग्रीन यहाँ पे डॉट बन जाता है अगर आप सही उत्तर देते हैं तो। इसके बाद भारत जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 2.4% है पूरे कुल एरिया का भारत। कई बार हमारे एग्जाम में ये सब फैक्ट मिक्स करके पूछे जाते हैं, जैसे आरओ 2016 जो री एग्जाम हुआ था उसका मेंस पेपर है ये। ठीक है, ये मेंस पेपर है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है कि भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, सही। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, सही। चाइना फर्स्ट पर है। भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, जबकि गलत है। ये कहां पर होता है सर्वप्रथम सूर्योदय, अरुणाचल में होता है, आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सही उत्तर होता। हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ये वाला कथन गलत है। तो इस तरीके से कई सारे ये छोटे और पुराने फैक्ट मिक्स करके हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड इसके बाद ये सवाल, ये अभी आरओ मेंस पेपर जो 2020 वाला हुआ था इसमें ये पूछा गया है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। आप जानते हैं इसमें जोन वाइज रैंकिंग आई थी, नॉर्थ जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किसे मिला है, मुजफ्फरनगर को। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मुजफ्फरनगर की संख्या जनसंख्या जो है 10 लाख से कम है या ज्यादा है, क्या ये 10 लाख ही नगर है या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन एसोसिएशन द्वारा किसे सम्मानित किया गया, करंट अफेयर का सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा सुष्मिता सेन को उनके शो आर्या 2 के लिए एक टीवी श्रृंखला में महिला अभिनेता या अभिनेत्री द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। आर्या 2 वेब सीरीज जो है आई थी, आर्या 1 वेब सीरीज आई थी लॉकडाउन के समय में, तो इसकी अभिनेत्री है सुष्मिता सेन। आगे हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव किसे चुना गया है। तो के सिवान सबसे पहले थे, मतलब इनसे पहले थे, अब के सिवान को रिप्लेस कर लिया है एस सोमनाथ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, एस सोमनाथ, ये भी केरल से हैं। इसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में कितने उत्तरी अक्षांश पर है। तो थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल, हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, 6 डिग्री 45 मिनट पर ये आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सा चैनल पड़ता है आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल, और मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है, लिटिल अंडमान और कारनिकोबार के बीच जो है ये है आपका 10 डिग्री चैनल, तो ये ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ते हम लोग आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है मेनलैंड पर, ठीक है सही है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर गाहिर माथा दिया हुआ है जो कि गलत है। गाहिर माथा जो है ये एक टर्टल सेंचुरी है, गाहिर माथा टर्टल सेंचुरी जो है चर्चा में आती है जब टर्टल्स का ब्रीडिंग सीजन होता है। ये सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है, हमारे ओडिशा स्टेट में, ठीक। ओडिशा में पड़ने वाला एक बीच भी है और ओडिशा में पड़ने वाला एक टर्टल सेंचुरी भी है गाहिर माथा। जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम गुहार मोती या फिर गौर मोता कहा जाता है, ठीक है, गुजरात में जो।
बाकी सबसे पूर्वी बिंदु की वो है, आपको पता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका, वेस्ट टू ईस्ट इसका सही हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है सही, भारत की राजभाषा देवनागरी है ये गलत है, भारत की राजभाषा हिंदी है, देवनागरी लिपि है, देवनागरी कोई भाषा नहीं है, ठीक है तो ये सही है। भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9% टोटल फाइनल आंकड़ों के अनुसार से टोटल लिटरेसी रेट कितनी इतनी है, और बड़े बंदरगाहों की संख्या जो है 13 है। अब यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है बताना है, तो अदिश राशि उपरोक्त में से कोई नहीं है। लंबाई, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, दूरी, द्रव्यमान, उसके बाद शक्ति, ऊर्जा, ये सभी अदिश राशियों के उदाहरण है, इनको आप नोट करिएगा। घनत्व, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, दूरी, द्रव्यमान, चाल, समय, ऊर्जा, शक्ति, ये सभी अदिश राशियों के उदाहरण है। समुद्र में छिपी हुई वस्तु पनडुब्बी आदि का पता लगाने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो क्या है? टेक्नोलॉजी सोनार है, SONAR, ठीक है। तो क्रेस्कोग्राफ क्या है? पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। ग्रीगर काउंटर जो है एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापने का काम करता है। जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं छिपी हुई वस्तु देखने के लिए वो सोनार है। इसमें फर्दर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोनार जो है किस वेव्स का यूज करती है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करती है, ध्यान रखिएगा सोनार टेक्नोलॉजी। किसी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाला उपक्रम जो मुख्यतः बिक्री के ध्येय से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करने का काम करता है उसे हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोलेंगे इंटरप्राइज, उद्यम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 15 जनवरी 2022 में ब्रिटिश सेना में कार्यरत कौन सी महिला अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली एवं अश्वेत महिला बनी थी? तो इनका नाम है कैप्टन हरप्रीत चंडी, चर्चा में आई थी काफी, कैप्टन हरप्रीत चंडी ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीय मूल की महिला अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली एवं पहली अश्वेत महिला बनी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुबोध जी और शोध वैज्ञानिक विद्या ललन ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए थे? तो ये एसोसिएटेड हैं केरल यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है कि कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जिला स्तरीय सूचकांक जारी किया गया है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडेक्स जारी किया गया है J&K में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश ने 2022 में 100 वर्ष पुराने लोकप्रिय चिंतामणि पद्य नाटकम पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि किसी विशेष वर्ग की भावनाओं को ये आहत करता है? तो ये नाटक किया जाता था आंध्र प्रदेश में, लेकिन इसमें देखा गया कि कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो किसी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा डेरोगेटरी हैं, इस वजह से इस पर सरकार ने वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेताजी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? ये है फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, अभी नहीं रहे हैं, इनकी हत्या कर दी गई थी जापान में। जापान के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है धर्म गार्जियन। हाल ही में असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रतन टाटा, ऑप्शन नंबर बी। असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज किसे नियुक्त किया गया था? आयशा मलिक को, ऑप्शन नंबर बी। सरकार की आय और कर राजस्व और उसके व्यय का पूरा न हो पाना क्या कहलाता है? फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर बाय इनकम एंड टैक्स रेवेन्यूज इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बजट डेफिसिट या फिर बजटरी डेफिसिट, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1983 में पर्यावरण की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में सबमिट की थी, ठीक है, 1987 में, ये था ब्रिटलैंड कमीशन, ठीक है, ब्रिटलैंड कमीशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली अवधारणा यहाँ पे चर्चा में आई थी। निम्नलिखित में से जल बहाव की इकाई मापने की दर कौन सी? कई बार हम देखते हैं कि इस बांध से इतने क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, तो ये है क्यूसेक। उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, ठीक है। भारत में अनुसूचित जाति की संख्या का प्रतिशत 17.6 है, यहाँ पर गलती हुई हो गई है, यहाँ पर 16.6% होना चाहिए। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य सही,
और जनघनत्व जो है 2011 सेंसस के हिसाब से 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सही, तो गलत उत्तर ही हो जाएगा ये वाला। हमने बताया आपको अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या की 16.6% है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से हमको बता दीजिए कमेंट में। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।